So actually, golden rule is that see everything every coin has a two sides. Okay, so in the same way, जैसे कि sorry, हमें पता है कि मतलब जो भी नाइट ब्लाइंडनेस है या फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी VAD विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसीज़ है, दे आर वेरी सेवियर एंड उनको ट्रीट करना इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर दैट रीजन गोल्डन राइस को डेवलप किया गया था. हाउएवर ये जो गोल्डन राइस था उसके अंदर हम जो ये डाला है बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन इज अ प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए. सो विटामिन ए बनाना है तो बीटा कैरोटीन होना जरूरी है एंड सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ऐड दिस पर्टिकुलर बीटा कैरोटीन पाथवे इनटू द राइस. सो फॉर दैट हम लोग को दो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स ऐड करने पड़ते हैं एंड द एंजाइम्स आर फ्रॉम वन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वन इज फ्रॉम प्लांट. सो इफ यू रिमेम्बर डैफोडिल एंड एरेबिनिया ऐसे नाम मैंने वो बोले थे. सो इट वॉज गुड गोइंग गुड बट देन एज वी नो हर एक का बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्स इन अ प्रॉपर वे. मतलब सबका बॉडी सेम वे में रिएक्ट नहीं करता. कुछ कुछ पीपल हैड शोन एलर्जीज एंड ऑल ऑल्सो एंड दैट आर सम इश्यूज विच वर देयर. एज सच कुछ माइनर मेजर प्रॉब्लम हुआ था ऐसा कुछ था नहीं बट देन स्टिल पीपल वर नॉट हैप्पी. प्रॉब्लम्स वर लाइक कि तुम लोग ऐसे किसी मतलब ओके राइस इज राइस तुम लोग को उसको मतलब तुम लोग को उसमें बीटा कैरोटीन क्यों ऐड करना है. बीटा कैरोटीन के लिए अपने पास बीटा कैरेट है तो ठीक है. मतलब टिपिकल एक थॉट प्रोसेस है लोगों का कि दे डोंट वांट टू चेंज इट. सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड इफ यू गो फॉर साइड इफेक्ट्स और सम प्रॉब्लम्स कि ओके देयर आर सम एलर्जीज ऑब्जर्व बट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि मतलब ओके वो बंदा मे बी उसका बॉडी में दैट इज नॉट मुझे ना कंपेटिबल नहीं है या फिर इट शो ही और शी विल शो सम काइंड ऑफ रिएक्शन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल और टॉलरेट द प्रोटीन्स व्हिच आर प्रोड्यूस इन द बॉडी और गेटिंग रिलीज इन द बॉडी थ्रू गोल्डन राइस. सो दैट वर फ्यू प्रॉब्लम्स. अगर और कैसा कुछ मेजर रहेगा तो वी विल चेक एंड विल लेट यू नो बट अभी के लिए तो आई गॉट इतना ही. सो लेट्स सी. सो मूविंग अहेड तो कल हमने देखा था अबाउट ट्रांसजेनिक माइस लाइक हमने चालू किया है अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड टू वी आर स्टार्टिंग स्टडिंग द ट्रांसजेनिक एनिमल्स का पार्ट. उसमें हमने बैकग्राउंड देखा था उनके डिफरेंट एप्लीकेशन देखे थे एंड नाउ हम लोग एक वन बाय वन जा रहे हैं ऑन डिफरेंट एनिमल. तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रांसजेनिक माइस एंड उसके एप्लीकेशन इन अ कैंसर रिसर्च. ओके now let's move forward and see what are the other. so this is the transgenic farm animals now. so why we need a farm animals because we know ki farming is a important we can say side business kind of thing in our country because jo jo log kheti karte hain farming karte hain obviously they do this particular like unke ghar mein cows rehte hain goats rehte hain so to support so it may be in a form of milk or the eggs or the meat for the chicken like chicken meats and all whatever so they just support their economy with all these things basically and that's why it is important. so obviously agar wo important hai to hame usko aur acha banana hai so that's why production of transgenic farm animals from which we can from which the mankind can ग्रेटर बेनिफिट वॉज द मेजर ऑब्जेक्टिव. तो ये हम लोग का टारगेट था ये हम लोग का गोल था क्योंकि हम लोग को ग्रेटर बेनिफिट चाहिए एंड फॉर विद दिस ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने चालू किया था डिफरेंट ट्रायल जहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए थे. तो क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन मॉडिफाई और एड द प्रॉपर्टीज टू द एनिमल सो दैट द मीट प्रोडक्शन कैन बी एनहांस और मिल्क प्रोडक्शन कैन बी एनहांस एंड द क्वालिटी ऑफ द मिल्क कैन बी इंक्रीज और कैन बी इम्प्रूव्ड एंड इवन डिसीजेस लाइक इफ यू नो पोल्ट्रीज एंड ऑल दिस पर्टिकुलर पोल्ट्रीज इवन कैटल सफर अ लॉट फ्रॉम सम डिसीजेस अगर कुछ मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं सम डिफरेंट वायरल्स एंड ऑल. सो टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम वी कैन इंसर्ट सम जीन्स वी कैन विच कैन गिव अस डिसीज फ्री स्टेटस. सो द एनिमल विल बी रेजिस्टेंट टू फ्यू टिपिकल डिसीजेस या फिर वायरसेस एंड इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ. सो दिस आर सम प्रॉपर्टीज विच वी वॉन्ट टू इंसर्ट इन अवर ट्रांसजेनिक फार्म.
नाउ अगर हम लोग को एग्जांपल्स लेने हैं तो लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स नाउ बेस्ड ऑन द काउ एंड देन वी कैन टॉक अबाउट द हेंस बेसिकली. तो काउस, सो एट द बिगिनिंग इफ यू ऑल रिमेंबर इंडिया में हम लोग के यहाँ पे कुछ तो हुआ है लाइक व्हाइट रेवोल्यूशन, दुग्ध क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. सो इफ यू रिमेंबर इफ यू हैव स्टडीड अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन, ओके हम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन को, सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस इन आवर कंट्री शुड बी एनहांस एंड वो बनेगा एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली और मेजर सपोर्ट फॉर इकोनॉमी. ओके सो दैट्स इम्पोर्टेंट थिंग. एंड एट दैट टाइम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी जब ये सब चालू हुआ था मतलब, तो टिपिकल जो काउ होता था दैट यूज टू प्रोड्यूस 2,000 to 3,000 लीटर्स ऑफ अ मिल्क इन अ ईयर. ओके जो भी मिल्क काउ होता था तो वो, बट लेट मी क्लियर यहाँ पे दिस इज जस्ट इन जनरल अबाउट द ऑन एन एवरेज अमाउंट दे हैव गिवन. ओके सो डिपेंडिंग ऑन कि ओके वो काउ कौन से टाइप का है, उसका ब्रीड कौन सा है, इट डिपेंड्स. ठीक है सो बट ऑन एन एवरेज इट वॉज 2,000 to 3,000 लीटर्स ऑफ अ मिल्क पर ईयर. नाउ when we have actually made a transgenic animals or a transgenic cow, so Holstein is one of the such cow jisko transgenic humne recombinant DNA technology se modify kiya hai. And now this particular Holstein actually produces 6,000 liters on average. Let's see, let's just see, it's almost twice or we can say thrice of the what we were having at the beginning of the century. So 6,000 एंड अगर उसमें भी अगर वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी ब्रीड होगा तो इट कैन इवन गिव अस 8,000 to 10,000 लीटर्स ऑफ अ मिल्क पर ईयर. सो आई थिंक दिस नंबर इफ यू कैन सी द नंबर इटसेल्फ आई एम टॉकिंग अलॉट कि मतलब इतना डिफरेंस आ रहा है. एंड डेफिनेटली अगर इतना डिफरेंस आ रहा है तो इट विल श्योरली विल हेल्प अस इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लाइक ओके फर्स्ट तो मिल्क का क्वालिटी भी अच्छा हो रहा है, उसका यील्ड बढ़ रहा है. तो अगर ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके बाद उसका द मिल्क प्रोडक्ट्स विल बी मोर प्रिफर्ड एंड मतलब लोग मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे. देन चीज मेकिंग, पनीर मेकिंग आ जाएगा उसके अंदर. देन ऑब्वियसली द सोर्स ऑफ बोलते ना इनकम, तो पीपल विल गेट स्टेबिलाइज बेसिकली, उनको पैसा मिल सकता है, दे कैन सेल इट एंड ऑल द ऑल दोस थिंग लाइक कम पिक्चर लेटर ऑन. बट दैट ऑल आर सेकेंड स्टेज सेकेंडरी फॉर अस. अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या था क्योंकि हम लोगों ने एनिमल को ट्रांसजेनिक हम लोग ने एनिमल में जीन डाला, इंसर्ट किया एंड वी ट्राइड टू इम्प्रोवाइज द प्रॉपर्टीज. एंड ओके द प्रॉपर्टीज आर देयर, जो पहले इतना कम था वो अभी ऑलमोस्ट 6,000 एंड अगर अच्छा रहेगा तो 8,000 to 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर रहा. सो दिस इज द इमेज ऑफ अ टिपिकल होल्स्टेन काउ. डोंट कंफ्यूज विद द होल्स्टेन एंड द जर्सी. जर्सी एंड होल्स्टेन आर डिफरेंट. ओके so if you want to see exactly क्या difference है please google it out. now हम लोग यहाँ पे वो discuss नहीं करेंगे, it's out of our interest. but for now just for information this is Holstein not a Jersey. okay now that is about the milk and the cow. but then even the hens or the you know, poultry kind of thing is an important animal in a farm industry or even in a case of like in the farming and agriculture field. So at the beginning of a century it was observed that a typical hen can lay about 70 eggs a year. however now jab hum logon ne usko modify kiya hai, some properties has been inserted, it can lay up to 250 eggs per year. I think it's almost four times. 70 pehle tha, now it's 250 and which is a good number. so itna hum log inko like that is the level of benefits we are getting out of this particular transgenic plant. so now what are the main objectives for improving this particular animal? matlab theek hai the production karna hai and all that is a good thing, hum log ko benefits milta hai wo bhi acha hai. but then what all can things like are we are keeping in our mind ki okay kya soch ke main kar raha. so this includes efficiency of meat production, improved quality of meat. सिर्फ 11 बन के इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें वो क्वालिटी हो चाहिए, उतने लेवल ऑफ प्रोटीन, उतने लेवल ऑफ लिपिड, उतने लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए. ओके इट्स नॉट लाइक कि मैं पूरा
एक बड़ा सा 2-3 किलो खा लूंगा एंड दैट डजंट कंटेन एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू ओनली इट मेक्स नो सेंस टू मी सो ओके आई वांट टू इंप्रूव द एफिशिएंसी आई वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी आल्सो एट द सेम टाइम देन इन केस ऑफ मिल्क बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बिकॉज समटाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओके मिल्क बन रहा है बट उसमें प्रोटीन ही नहीं है इट जस्ट लाइक अ वाटर उसका मिल्क हर एक मिल्क का टिपिकल ए रहता है क्या बोलते हैं हम लोग उसको टेक्स्चर रहता है वो टेक्स्चर होना इंपॉर्टेंट है उसका एक टिपिकल प्रॉपर्टीज रहता है कि ओके उसका थिकनेस होना चाहिए उसका लिपिड कंटेंट होना चाहिए सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो वो भी सोचना पड़ेगा अगेन एक प्रोडक्शन हमने देखा कि 70-50 हो गया था सो दैट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगेन देन मेनी फार्मर्स इवन डू द शिप नर्सरिंग एंड ऑल सो बेसिकली वो शिप्स का वूल निकाल के उसका उसको बेचना एंड ऑल सो ऑब्वियसली इन दैट केस शिप का वूल का क्वांटिटी भी ज़्यादा होना चाहिए एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑल्सो प्लेज इम्पॉर्टेंट एंड देन एज आई मेंशन द एनिमल्स आर वेरी ससेप्टिबल टू सम डिसीजेस सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द एनिमल विल नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय द डिसीजेस सो फ्रिक्वेंटली तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा एंड फॉर दैट वी रिक्वायर डिजीज रेजिस्टेंस And at last, these animals can be a very good bioreactor, जिसमें हम लोग low cost pharmaceuticals and biological products बना सकते हैं. So that is an important aspect. So if you have any doubt, please ask. Yes. So now let's go ahead. इसने चैट बॉक्स में कुछ मेंशन किया है क्या? Because it's showing me one message, but I'm not able to open. वो खुल नहीं रहा। तो जिसका भी होगा, can just unmute and ask question. अगर कुछ question होगा। Okay. So now the next application of this particular transgenic animal. So now transgenic cattle for food production. तो अभी हमने देखा कि वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मतलब ये एनिमल्स को हम लोग उनके ही इसके लिए यूज कर रहे थे कि मतलब मीट के लिए कर रहे थे या फिर एग्स के लिए कर रहे थे बट नाउ हम लोग उसको ऐसा कुछ मॉडिफाई करेंगे क्योंकि उसमें क्या बोल सकते हैं मतलब उसका जो टिपिकल न्यूट्रिशनल वॉल्यूम रहेगा वो भी एनहांस हो जाएगा सो इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस द जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द फार्म एनिमल्स का थिंग सो या सो व्हाट इज इट नाउ इसमें हम क्या करेंगे सो देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन वन जो देखा गया था जहाँ पे बोवाइन बेटा कैसिन और कैपा कैसिन का जीन्स एड किया गया था इन अ डेयरी कैटल एंड इट वॉज and then the milk quality and production and composition check kiya gaya so it was observed that ki jo transgenic offspring the unke paas jab unhone milk diya the milk was showed about 8-20% increase in a beta casein jitna badh gaya matlab itna fold badh gaya and about 2-fold increase in a kappa casein now tum log bologe ki okay casein to badh raha hai achhi baat hai vagera but casein hota kya hai तो कैसे मिल्क बेसिकली है फॉस्फो प्रोटीन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन अ मिल्क लाइक मिल्क का मेजर पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ कैसिन सो एंड इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ चीज मेकिंग एंड ऑल द फूड प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट काम इंपॉर्टेंट होता है सो दैट्स व्हाई कैसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ प्रोटीन सो ऑब्वियसली मिल्क इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो सो वी ऑल नो कैल्शियम होता है एंड प्रोटीन होता है सो देयर आर two types of casein I mentioned yahan pe beta casein and kappa casein beta casein is in a milk can occur in a two forms A2 or A1 beta casein so the two forms are not very different there just one very small difference is there and that is also at the position number 67 of the amino acid chain so jo 67th amino acid hai in case of A1 beta casein it is a histidine and in case of A2 beta casein it is proline so that is the basic
information about the beta casein. However, kappa casein jo hai, it is about 169 amino acids residues, and it contains mainly proline. So it has 11.8% of proline. Proline is an amino acid. Okay, so that is about the form for production. अब इसका अगर हम लोग ग्लोबल डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पे ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ प्रिंसिपल ऐसा तुम लोग देखोगे तो नहीं मिलेगा. इट इज ऑल एप्लीकेशन. तो उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए कि क्या ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये एनिमल है, वो काउ का नाम है, ये शिप का नाम है, ऑल दिस थिंग्स उन्होंने मेंशन किया है. सो थोड़ा बोरिंग शायद लग सकता है, बट डोंट टेक इट एज अ बोरिंग, जस्ट टेक इट एज अ इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि कोई काउ है जिसने फटक से बहुत ज्यादा मिलना चालू कर दिया, या फिर कोई शीप है जिसका वूल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो इट्स इंटरेस्टिंग ना, हम लोग ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल टू डू सच थिंग नाउअडेज. सो जस्ट टेक इट इन दैट वे. ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरेप्यूटिक प्रोडक्शन. सो नाउ हम लोग कैटल्स को यूज करेंगे फॉर फूड प्रोडक्शन. तो हमने नॉर्मली कैटल देखा क्योंकि हम लोग उसको कल्टिवेट कर सकते हैं, फिर हमने कैटल एज अ सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन देखा, एंड नाउ कैटल एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन थेरेप्यूटिक प्रोटीन. सो द नेम इटसेल्फ, ह्यूमन थेरेप्यूटिक प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन जो ह्यूमन के थेरेप्यूटिक, लाइक डिजीज ट्रीटमेंट के लिए, या फिर कोई प्रॉपर अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज, या फिर कुछ प्रॉपर मतलब ना बेनिफिट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. सो इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन एटसेट्रा. सो व्हाट ऑल प्रोटीन्स, और वी कैन से व्हाट ऑल थेरापीटिक्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर कैटल बेसिकली. सो देर आर डिफरेंट प्रोटीन विच वर एक्सप्रेस इन अ मिल्क, बिकॉज दैट इज इजी. हम लोग मिल्क में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हमें कहीं पे भी ऐसा इन्वेजिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, ये ओके कैटल को हार्म करके. उन लोग ऐसे वे में उसको एक्सप्रेस करो कि जस्ट मिल्क निकालो तो मिल्क में होने ही वाला है. बट अगर वो प्रोटीन अगर हम लोग बोलेंगे नहीं वो ब्लड में है, तो तुम लोग को एवरी टाइम यू हैव टू गो एंड टेक आउट द ब्लड, एंड विच इज नॉट अ गुड थिंग. ओके, सो दैट्स वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस द प्रोटीन एट अ प्रॉपर प्लेस. सो दैट इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एंड दैट्स वेयर मिल्क इज अ वेरी सुटेबल ऑप्शन. एंड it was found that there are multiple proteins which are expressed in the milk of the cattle, and which includes human lactoferrin, it is a protein in the milk, and there are others like human alpha lactalbumin, human serum albumin, human bile salt, similar like. These all just are proteins which are like used in one or other different applications and having and are required in a good amount. So isliye aisa banaya jata hai. And it was found that the mammary gland in a dairy cow is an excellent protein production factory. So वहाँ पे हम लोग ज़्यादा amount में बना सकते हैं. मतलब it is so that effective कि अगर तुम लोग को मतलब ना एक ही cow होगा तो भी that single cow can give us a large amount of protein in a through the milk. So that is a one thing. And then on the other hand, that one transgenic cow, just example, now just take it. Let's look at it. So one transgenic cow will be more than sufficient for production of an annual world supply of factor 9, which is nothing but a plasma thromboplastin component, and that is used in a treatment of hemophilia. Just imagine, एक ही cow मुझे इतना सारा दे सकती है कि I can supply to the entire world, जिसको भी चाहिए उसको. मतलब ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज दिस फैक्टर्स आर नॉट, ऐसा नहीं है कि मुझे 5 किलो चाहिए 10 किलो चाहिए, दिस आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट इन मिलीग्राम्स एंड ऑल. सो दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बट दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट. सो इसलिए दैट इज पॉसिबल. आई होप इट इज क्लियर. नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल, जहां पे इन 1990 ट्रेसी द ट्रांसजेनिक काउ वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड एंड कुड ही प्रोड्यूस अ ह्यूमन प्रोटीन इन हर मिल्क फॉर ह्यूमन थेरेप्यूटिक. Actually, I don't know what is Tracy. मतलब मैंने first time सुना Tracy का नाम. I was knowing Rosie. So I don't know Tracy कब हुआ था करके. So you can find it out. जितना मुझे याद है Tracy was not a cow. It was a sheep. But and Rosie was a cow. But तुम लोग के बुक में दिया है कि it is a cow. So just take it as a cow and move ahead.
So Tracy was a first transgenic cow, let's say, and which was born in Scotland and was also used in a production of therapeutic, basically. Then there are other factors like antibodies are currently very important thing. So we need to produce antibodies. So every time हम लोग ऐसे human beings में produce नहीं करवा सकते, because amount limited है and again वो plasma निकालो, antibodies को separate करो, तो we can't exploit human being basically. मतलब अगर कुछ के साथ कुछ होता है तो that is wrong, or that we can do with animals, that is fine. ऐसा हम लोग का एक fund है. Sounds sort of weird, but then that's how it works. So basically, these cows are used also for the production of antibodies. It includes diseases like in many infectious diseases, cancer, transplanted organ rejection ke against jo antibodies uske liye, antibodies for autoimmune diseases, and also for some antitoxins. So these are just examples again. अगर मुझे एंटीबॉडी बनाना है किसी भी इसका, तो मैं क्या करूँगा? तो लेट्स से कि मुझे एंटीबॉडी चाहिए अगेंस्ट टिपिकल डिसीज डिसीज एक्स, लेट्स से, तो मैं क्या करूँगा? वो डिसीज एक्स का जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका एक तो स्मॉल पार्ट, या फिर उसको हिट किल करके, या फिर उसका स्मॉल डीएनए आरएनए जो भी रहेगा वो इस एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा. तो जब भी मैं उसको इंजेक्ट कर दूंगा, द एनिमल्स बॉडी विल रिकॉग्नाइज इट एज द फॉरेन एंड वो अपना एक्शन चालू करेगा. और जब भी वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा एंड अपना एक्शन दिखाएगा, द बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज सो दैट इट कैन किल द वायरस और द एंटीजन जो मैंने इंसर्ट किया है और इंजेक्ट किया है. और उसकी वजह से द बॉडी के पास बहुत सारा एंटीबॉडीज बन जाएगा. और जब भी वो एंटीबॉडीज बन जाएगा, मुझे से वो एंटीबॉडीज को बाहर निकालना है यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स. तो हम लोग प्लाज्मा निकाल के फिर उसमें से एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं एंड देन अगेन द प्रोसेस कंटिन्यूज. ओके, सो दिस इज जस्ट अ एग्जांपल हाउ द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस. नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक शिप. तो काउस देखा, फार्म एनिमल्स देखा, नाउ लेट्स कम टू अगेन टू द ट्रांसजेनिक शिप. तो अगेन व्हाई वी नीड टू मेक अ ट्रांसजेनिक शिप, क्यों करना है? ऑब्वियसली फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर मीट प्रोडक्शन. And as I mentioned, all of these animals serve as a bioreactor. What is bioreactor? For production of different compounds like products, enzymes, hormones, and all banane ke liye kaam aata hai. So how they had done this? Unhone apna growth and meat production kaise dikhaya tha? So human growth hormone is the one which is generally involved in a production of which is generally involved in the growth and development in human beings. So unhone kya kiya tha, they used this particular human growth hormone gene and introduced it into sheep. So that jab unhone introduce karwaya in a sheep, they observed that the sheep was showing very good growth and the meat production. Human growth hormone is normally produced in our body basically. That's why hum log sab grow hote. Just imagine jab hum log paida hote hai tab it's like few inches and then uske baad now few feet. So the growth is not just okay. It's okay. The like food is important, nutrition are important. So carbohydrates, protein, lipids, sab chahiye. But these typical hormones play important role, and that's why we are showing the proper growth and development. कभी कभी ये hormone का level ज़्यादा हो जाता है. तो जब ज़्यादा हो जाता है, let's say कि growth hormone कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो such people become gigantic. मतलब ऐसे बहुत बड़े हो जाते हैं. Suddenly मतलब बोलते ना कुछ ज्यादा ही हाइट वाइज एंड कुछ ज्यादा ही हेल्दी ऐसे बॉडी वाइज. एग्जांपल्स आई डोंट रिमेम्बर नाउ किसी का नाम. खली सर. खली. या खली. सो ही वाज जायजेंटिक, मतलब उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रोथ हमारा प्रोड्यूस हो गया था. एट अ काउंटर साइड और अपोजिट साइड देयर आर फ्यू ह्यूमन बीइंग्स जिन लोगों में ह्यूमन ग्रोथ मतलब ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन इज नॉट इनफ और बहुत कम प्रोड्यूस होता है. तो ऐसे लोग So just an example here, because हम लोग consider कर रहे for growth of meat and for production of meat basically and typical growth.
So there is another objective of sheep production. Okay, wool can be used at the, as a important tool. So matlab usko bech ke usko they can get an income. So what they did, obviously a typical agar acha quality ka wool rahega to you will get very good very good money in return basically. So jitna acha quality rahega utna acha uska cost rahega. And this typical matlab not artificial wool but jo normal natural wool jo aata hai sheep's ka, I think at the current situation it is very costly. It is not that okay ki kaise bhi karo aise aur ye jao karke. There are still many farmers and small villages in Rajasthan and towards north jahan pe log abhi bhi khud ghar pe wo wool nikal ke usse wo shawls and all banate hain, and these are very 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 costly because they are handmade basically. So this is one thing. So how to change, like modify of this, how to modify the properties of this particular wool. हेलो या ओके, आई थिंक कुछ तो हो गया था. सो स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गया था. सो आई होप अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है एंड आवाज भी आ रहा है. यस यस ग्रेट. सो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट कि हाउ टू इम्प्रूव और हाउ टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वूल. तो बेसिकली ये जो वूल रहता है इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड एज केराटिन. ओके, तो वूल में होता है केराटिन. इवन अपने जो हेयर्स होते हैं और अपने जो नेल्स होते हैं इसमें भी प्रोटीन रहता है विच इज अ केराटिन. ओके, सो अगर हमने केराटिन का प्रॉपर्टीज चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली इन रिटर्न जो उसका मेन प्रोडक्ट आएगा बाहर एज अ वूल उसका भी प्रॉपर्टीज चेंज होगा. सो व्हाट दे डिड, उन लोगों ने दो जीन्स यूज किया था, सिस ई एंड सिस एम. These are the genes which are mainly involved in a biosynthesis of the cysteine amino acid. Cysteine is one of the major amino acid in a this particular protein keratin. So, जब हम लोग ने cysteine insert किया in this particular sheeps, the sheep showed very good quality of wool because of it helps in a formation of keratin, and the keratin will in turn will give us a good quality of wool. So that is the one object, one way they have modified the properties of the wool. And basically after the the recombinant DNA technology kar diya, unhone wo genes ko identify kar diya, usko dal diya wo sheep ke andar, and they observed that the sheep was now showing very increased production of wool first thing. So matlab uska production bhi badh gaya, secondly even the quality was improved. So that's how they change the properties. Then comes transgenic pigs. Okay, so pigs are considered as a very important animals for breeding. There are multiple reasons, but then also initially pigs were also used as a source of insulin because at that time हम लोग के पास recombinant DNA technology नहीं था और the demand of insulin was very high. So at that time pigs and dogs were used for the insulin source. So that is just one example. But then now why the transgenic pigs are very important? So obviously again the objectives, if you see, it is very, the objectives in a all animals is common. First growth of proper growth hona chahiye unka, and meat production hona chahiye, and as a bioreactor. So I think you agar mujhe padhoge just make sure ki kon kon se points are common basically first thing. So agar trans animal aaya to first thing hai ki sab log commonly ek point to sabko aana hi chahiye ki these are generally used to improve growth and for meat production and can also be used as a bioreactor. Itna bhi likha to aadha mark to mil hi jayega. So just bolte na plan out and then write down things, so it will help you in your board exams.
So why now? And it was said that yeah, your pigs, they are very suitable animals. You, because they were used for a heart transplant. So this is actually something fascinating. Sorry, pig to use kare for human heart transplant. So why? Because ये जो पीक का हार्ट है इट इज अबाउट द सेम साइज एज द ह्यूमन हार्ट एंड दैट्स व्हाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीक हार्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ह्यूमन हार्ट एंड एज वी ऑल नो पीक इज आल्सो अ मैमल एंड वी आर आल्सो मैमल सो हम लोग का हार्ट इज फोर चैम्बर टू आर्टिकल्स टू वेंट्रिकल बेसिकली सो दैट्स व्हाई This particular heart of the pig can be used for different transplantations of the heart transplantation in human beings, and it was also used that said that the pig heart valves have been used in human heart surgery for over a decade. मतलब वो लोग use कर not like a completely पूरा का पूरा heart transplant कर दिया but a few part of the heart like you all know there are some valve there are some part of the heart जो कि important होते हैं in pumping and in receiving the blood so In that particular case, ये सब use किया गया है, and that's why that was actually a beginning. So the pig clone was the first step towards the providing the animal organs and tissues for human transplant. जिसको हम लोग बोलते हैं xenotransplantation. मतलब किसी और animal में वो particular organ grow करना या फिर उसमें वो produce करके then उसको हम लोग human milk में transplant करते हैं. तो किसी one species से किसी दूसरे species में ट्रांसफर करने को बोलते हैं xenotransplantation ओके आई होप आई एम क्लियर सो दिस इज दैट सी इट्स नॉट दैट इजी ऑब्वियसली उससे उसका साइज से मैं प्रॉपर्टीज से मैं बोलती है ऐसे ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कम इन द पिक्चर ऐसे बॉडी इजीली नहीं बोलेगा कि हां जा लेके पिक का हार्ट लेके और मेरे अंदर डाल ले द बॉडी विल फर्स्ट रिजेक्ट इट बोलेगा ये तो मैच ही नहीं हो रहा है मेरे साथ तो उन लोग को बहुत सारा ऐसा करना पड़ता है चीज जिसकी वजह से द बॉडी विल नॉट रिजेक्ट इट बॉडी हैज टू एक्सेप्ट इट तो इसलिए बॉडी का बाकी सब जो फंक्शन होता है लाइक इम्यून फंक्शन होता है उसको सप्रेस किया जाता है कि ओके जब हम लोग हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे या फिर उसको डाल देंगे द बॉडी शुड नॉट शो एनी रिएक्शन कि ये मेरा नहीं है दिस इज फॉरेन और अगर बॉडी ने उसको एज अ फॉरेन समझ लिया देन इट विल गिव अ वेरी बिग इम्यून रिस्पॉन्स इट विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड जो ट्रांसप्लांट किया हुआ हार्ट है उसको बॉडी निकाल देगा इट विल जस्ट डिस्ट्रॉय द transplanted organ and it will be no longer functional basically so that is something we have to consider jab ye sab kiya jata hai so it is not easy yahan pe tum log ko just as a example liya hai so that is fine but I'm just telling you ki matlab it is not that easy or there are bahut sare minor things are involved in actual process tum log aage ja ke agar bio mein continue karoge kabhi to obviously tum log in detail sikhoge what is transplantation aur kya kya karna padta hai ओके नाउ पिग्स हो गया शिप्स हो गया कैटल्स हो गया नाउ लेट्स कम टू द फिश सो द कमर्शियली अवेलेबल देयर आर नंबर मेनी डिफरेंट फिशेस लाइक अटलांटिक सैल्मन कैटफिश गोल्ड फिश तिलापिया ज़ेब्रा फिश कॉमन कार्प रेनबो ट्राउट एक्सेट्रा विच आर नाउ ट्रांसफेक्टेड विद द ग्रोथ हार्मोन चिकन क्रिस्टलाइन प्रोटीन एंड ई कोलाई हाइग्रोमाइसिन एग्जाम्पल कोई लेक है लेट्स गो इन कश्मीर नाउ सो कश्मीर में है कोई लेक है एंड वी आर ऑल एज वी ऑल नो कश्मीर में कुछ टाइम के लिए बर्फ होता है लाइक स्नोफॉल होता है कुछ टाइम के लिए इट्स अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर तो जब नॉर्मल होता है दैट्स फाइन ओके फिश विल अच्छे से वो लोग रहेंगे बट जब स्नोफॉल होता है जब सब कुछ फ्रीज हो जाता है वहाँ पे इवन द वॉटर गेट फ्रीज सो एट दैट टाइम ये लोग फिश लोग जियेंगे कैसे Like obviously they have to have some mechanism, right? So this particular that's the thing. कि उन लोगों के पास cold tolerance के लिए एक होता है कि even if the temperature is very low,
they cannot get freeze, like they can still manage it and grow, they can survive. So this is the some properties which are required in the fishes for the proper growth and development. And obviously there are some properties which needs to be inserted for good quality and forest preservation, which play an important role when it's come to the economic values of the fish. So all these things we all know, fishes can be stored for a long period, matlab usko dry karke usko salting karke properly rakha jata hai so that it will not get spoiled. So wo sab bhi karna padta hai. So there are different methods ki hum log follow kar sakte hain and use kar sakte hain. So that is about fish. Now let's come back to chicken. I think chicken is very commonly, everyone knows and everyone loves chicken mostly. If non-vegetarians, not generalized nahi bol raha hu, jo log non-veg shayad chicken bahut pasand karte hain. So that's why chicken is having a very big demand now, matlab har ek baat mein. But then also there are some limitations about the chicken. Okay, kabhi kabhi uska weight nahi badhta hai, to the weight becomes small, to obviously uska value kam ho jata hai. So we need a very well developed, acha मतलब प्रॉपरली डेवलप चिकन जिसका वेट हाई होगा, जिसमें हाई लेवल ऑफ मीट प्रोडक्शन हो सकता है ऐसा. सो ऑब्वियसली फॉर दैट वी नीड टू डू सम जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हिच यहां पे हम लोग कुछ जीन्स ऐड करेंगे व्हिच विल कैरी एंड एक्सप्रेस इन अ चिकन एंड विल गिव अस गुड प्रॉपर्टीज. सो नाउ दे आल्सो हैव शोन दैट दे कुड बी यूज्ड टू इंप्रूव द जेनेटिक मेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो ओके, सो आई कैन, सो बेसिकली जब पोल्ट्री की बात आती है, वायरल डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सुना रहेगा बर्ड फ्लू आ गया है, या फिर जब बर्ड फ्लू आता है, या फिर चिकन गुनिया, लाइक समथिंग इज देयर चिकन गुनिया, या तो ऑल सम सच डिसीज लाइक कि जो चिकन से स्प्रेड हो सकते हैं या फिर बर्ड से स्प्रेड हो सकते हैं. सो टू एंड ये टाइम पे कि हम लोग तो खुद को बचा लेते हैं कि हम लोग कुछ दिनों के लिए चिकन खाएंगे नहीं एंड वी विल लाइक बी सेफ. बट देन ये जो एनिमल्स है जो एक्चुअली सफर कर रहे हैं, दे डाई लाइक मतलब इन अ बिग नंबर. ऐसा एक आउटब्रेक हो जाता है बर्ड फ्लू का एंड लाइक लैक्स ऑफ बर्ड जस्ट गेट डाई. सो टू प्रिवेंट ऑल दिस थिंग्स देयर हैज टू बी सम वे. सो ओके, देयर आर डिफरेंट वैक्सीन्स, देयर आर डिफरेंट मेडिसिन्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बट नॉट दैट इफेक्टिव. सो हाउ इफ यू जस्ट इंसर्ट अ जीन फॉर वायरल रेजिस्टेंस या फिर a gene for a particular disease resistance so that the animal will not develop any disease only. And for that genetic engineering is important. So iske liye there are different genes, so we can add resistance to the viral or a coccidial disease. We can also give a better feed efficiency, to wo jara kha sakte hai like properly. We can also manage ki wo jo meat banega usse aage usme uska composition kya hoga, so we should get a lower fat, a lower cholesterol level but high protein in eggs and in the meat also, better meat quality. So ye sab bhi hum log bahar se manage kar sakte hain. So whatever things I want, so I can do what type ka genetic engineering and the ultimate product is there. But it's not that easy. I will again and again tell you, it's not like that easy ki okay maine aaj kar diya aur ek saal mein aa gaya. This is like log saalon and saalon se kaam karte aa rahe hain, after working for 10-15 years jab kab jaake ek product bahar aata hai acche se jo ki properly studied है, पूरा examine किया है, पूरा research किया है ऐसा, and it's safe for the human use, तो तभी वो बाहर आता है. So this is just a common thing about transgenic chicken. So with this we have finished the transgenic animals का part. If you have any doubt, please ask. ऐसा कुछ इतना ये नहीं, इतने अंदर conceptual या फिर principle wise कुछ है नहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला है. It's just different animals और उन्होंने क्या changes किए हैं and क्यों किए. So I think it's not that difficult to study also, but just read once and अगर कोई doubt आएगे तो you can ask me. कोई doubt से? No sir. अगर बाकी लोग भी थोड़ा respond करेंगे तो it will be really appreciated. So never mind, let's go ahead. फिर क्या करना है now? So the next topic. ओके, तो हम लोगों ने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे जीन्स को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ से निकाल के वहां पे डाल रहे हैं, ये किसी को उसका प्रॉपर्टीज मॉडिफाई कर रहे हैं, जो नेचुरली था उसको हम लोग चेंजेस कर रहे हैं एंड ऑल.
जो कभी बीटा कैरोटीन बना ही नहीं रहा था उसको हमने बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया है एंड नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग बीटा कैरोटीन. तो ये सब हो रहा है. ओके हम लोग वो कर रहे हैं बिकॉज इट इज फॉर आवर बेनिफिट्स एंड व्हेन इट्स कम टू आवर बेनिफिट्स वी जस्ट ओवरलुक की ओके जो कि उसका रहेगा बाकी का प्रॉब्लम थोड़ा सा लाइक इग्नोर कर देते हैं या फिर निग्लेक्ट कर देते हैं या फिर एज आई मेंशन की ओके अगर मुझे 50 बेनिफिट्स मिल रहे हैं और अगर 5 ड्रॉबैक्स है definitely I will focus more on the 50 benefits and I will try to sort out somehow कि वो जो 5 drawbacks हैं या problems हैं वो ज़्यादा problems ना create करे in my product or in my process. So that's how generally the human tendency works कि ऐसा करना वगैरह करना. But then obviously something has to be there which will regulate this particular process or they can keep up watch कि ओके कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है and that's where this particular ethical things or ethical committees come in a picture because ethics so basically as I mentioned कि ethics is something very personalized term not personalized but very as a typical term which can be different for different like जो मुझे अच्छा लग रहा है शायद वो किसी और को अच्छा नहीं लगेगा so that are my perspectives my thoughts and all but generally how they think if you go for a typical group so there are our society has different groups so koi kisi group ka typical thinking hai typical traditions hai and all to wo log wahi follow karte hain but not necessary ki koi aur group ko wahi sab acha lage they can follow some other different things also and these things are like okay mere grandparents ne follow kiya my parents are following obviously I will follow my kids will follow and it just get matlab continuously followed by some other ones and we can like ki nahi hamare ghar mein to aisa hi hota aa raha hai and that's becomes like a standard not for us ki acha aisa hai to aisa hai karke so this is very general term I'm trying to explain ki ethics hota kaise hai and kya hai karke but obviously agar hum itna sab kuch kar rahe hai and we are trying to modify animals and all the ethics becomes very important because nahi to agar maine kisi ko ethical rules diye hi nahi तो कल जाके आई थिंक कोई भी तुम लोग भी कल अगर तुम लोग को अगर इट इज दैट ओपन इन इंडिया तो तुम लोग भी कल बोलोगे कि हाँ अरे हमने कुछ तो पढ़ा लेट्स गो गेट अ किट एंड कुछ तो एनिमल में कुछ तो इंजेक्ट करते हैं कुछ तो बाहर निकालते हैं एंड यू ऑल कैन डू ऑल दिस थिंग्स आल्सो बट दैट इज नॉट द केस ना तुम लोग नहीं कर सकते यू हैव टू हैव प्रॉपर प्रैक्टिस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉपर बैकग्राउंड फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स जेनेटिक इंजीनियरिंग हो या क्लोनिंग हो या कुछ भी और हो सो That is something we can say as a ethics and जो भी हम लोग करते हैं उस पर हर बार टिपिकल वॉच रहता है तो अगर मैं अपने कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो इवन माई कॉलेज लेट्स से इट इज अ वेरी बिग कॉलेज एंड आई हैव आई एम वर्किंग इन अ स्मॉल डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज वी ऑल नो हर एक कॉलेज में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं तो लेट्स से माई डिपार्टमेंट इज अ स्मॉल डिपार्टमेंट ऑफ द पर्टिकुलर कॉलेज सो मैं अपने कॉलेज के अपने डिपार्टमेंट के एक छोटे से कोपचे में या फिर कॉर्नर में अपने लैब में कुछ तो काम कर रहा हूँ सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग एनी वर्क इन माय लैब आई हैव टू रिपोर्ट फर्स्ट इट टू माय प्रोफेसर्स ओके मुझे ऐसा कुछ तो काम करना है एंड आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग देन द प्रोफेसर्स फिर मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या काम करना है मुझे बैक्टीरिया को लेके आना है या मुझे कोई एनिमल को लेके जाना है या क्या करना है प्रोफेसर विल लुक एट मी ही विल टेक माय प्रपोजल ही विल रीड एंड ही विल से ओके लेट्स सी करके तो अगर प्रोफेसर को अच्छा लगा एंड ही इज ओके मी वर्किंग इन दैट लैब वो अप्रोच करेगा टू द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी अगर अच्छा लगा तो वो जाएगा नेक्स्ट स्टेज पे तो नेक्स्ट स्टेज तक देयर इज अ कमिटी ऑफ द एकेडमिक प्रोफेसर जहाँ पे कोई भी कॉलेज में क्या रिसर्च हो रहा है कहाँ कैसे हो रहा है उसका एक बोलते ना एक कमिटी रहता है जो वो सब वॉच करता है देखिए कौन आए कि ओके कौन क्या काम कर रहा है कौन सा लैब में क्या काम कर रहा है वगैरह तो वो वहाँ पे जाता है then they will approve then with the final final approval from the authority of the higher matlab higher authority of the college principal and all they will just sign it and then tab mujhe milega chance to work in my lab if I am working in a typical serious role aise hi kal jaake main bolna tha ki are yaar aaj mera corona pe camp mein nikam mane chalo I will do outcome corona no you can do that thing because there are number of pictures or number of factors which actually play important role while doing a research aur usme bhi agar hum log aise genetic engineering jaise kuch to kar rahe obviously we have to be very much conscious and concerned about the things galti se jahan pe gene dalna tha wahan pe gaya hai nahi kisi aur jagah pe jaake baith gaya acha se settle ho gaya aur kuch alag hi
प्रॉपर्टी दिखा दिया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग? लाइक ओके आई एम प्रोड्यूसर तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, बट बिकॉज ऑफ मी द अमाउंट ऑफ हजार्ड इट विल गिव टू अदर्स दैट विल नॉट बी अंडर माई कंट्रोल एट दैट टाइम. And for that things, this is important to have a typical ethics in a place ki, okay, that will regulate and give a regulations ki, okay, kya karna hai aur kya nahi karna hai. Okay, so now let's see what is this bioethics, biopiracy and biopatent. In today's lecture, hum log mainly baat karenge about bioethics. Okay, so as I mentioned, I think now you understand water ethics. So, in general terms, in normally, just forget about bioethics, but in normal, ethics are there in everywhere, in every each and every field. No matter ki wo academics hai, wo corporate hai, wo society hai, har jagah pe ethics are there. So ethics in general kya hote hai? It deals with the matters related to the socially acceptable moral duties, conduct and judgment. ड्यूटीज मतलब क्या करना है, कंडक्ट कैसे करना है, एंड जजमेंट मतलब ओके एट लास्ट क्या हो रहा है करके. तो ये सब कंसिडर होता है अंडर एथिक्स. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प अस टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी बाय सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. सो देयर आर सम स्टैंडर्ड, जैसे मैं बोला कि हाँ ये करना है तो ये करना है. द टिपिकल थिंग्स आर देयर एवरीवेयर. सो हाउएवर the concept differs according to the culture and tradition. Again, जो मैंने बोला कि okay, a typical group को अगर वो अच्छा लग रहा है तो they can keep on following that thing. But it's not like that कि कोई और भी वो follow करेगा. Just forget about the groups or the religions or the typical very higher level का communities. Simply within a class, तुम लोग अभी सब classes में मतलब ठीक है अभी तुम लोग घर पे हो, but whenever you go to the class, यहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप होता है कि दे हैव अ प्रॉपर लाइक दे हैव अ सेम थिंकिंग, तो बोलो साथ में बैठते हैं. कुछ लोग का थोड़ा अलग देखिए पर लाइक दे कीप सिटिंग एट अ विद इट टुगेदर. मतलब ऐसे हर किसी का जिसके साथ हम लोग का एक मतलब ना मैच होता है एंड दे हैव अ टिपिकल प्लान कि हाँ हम लोग का ऐसे ही करना है. सो दैट बिकम्स अ टिपिकल थिंग्स के जो फॉलो होना चाहिए या फिर करना चाहिए. कुछ लोग को इज लाइक नहीं मैंने क्लासेस ज्वाइन किया है तो आई विल सिट ऑन अ फर्स्ट बेंच ओनली एंड आई विल स्टडी होल टाइम एंड ऑल. So that is typical. I won't say it's a typical ethics, but it is something that okay, aisa khud ko guide karna. This is something ki jo follow karna. This is keeping it as a standard for ourselves. Okay, this is something jo mujhe follow karna. So that we can consider as a ethics. But that is not necessary ki jo mujhe ethics lag raha hai, wo kisi aur ko bhi lagna hi chahiye karke. Okay, so. And so that's why we need a a governing body जो एक law create कर सकता है. या फिर because अगर हमने ऐसे ही रखा हवा में और बोलेगा कि okay जो मुझे अच्छा लगे वो चीज़ अच्छा लगे तो I can't stop the other person for doing that because अगर उसको वो अच्छा लगे तो वो करेगा ही. But जो when it comes to serious issues there are some regulations and there are some rules जो follow करना पड़ता है and these rules and regulations are given by government. Okay. So there are some bodies which regulate this particular thing. So again, what exactly? कैसे ये regulate होता है ethics and all? So moreover, the concepts change with the time. Because okay, कुछ साल पहले जो लग रहा था हम लोग का सही फायद वो अभी नहीं लग सकता है. So that can be changed in a thinking and shifting in a perception of a particular person's values. Maybe because of the बेटर नॉलेज या फिर बिकॉज ऑफ द साइंस एंड ऑल तो वो सब की वजह से हम लोग का अभी चेंजेस हो सकता है इन अ ये एथिकल और इन अ टिपिकल थॉट प्रोसेस. सो नाउ दैट इज अ टिपिकल मीनिंग ऑफ एथिक्स की वो क्या है कैसे है और क्यों चाहिए करके. नाउ लेट्स कम टू द बायो एथिक्स. सो द टर्म इटसेल्फ बायो एथिक्स मतलब एथिक्स जो बायोलॉजी के रिलेटेड काम में फॉलो होना जरूरी है. सो नाउ इट हेल्प अस टू स्टडी मोरल विजन decision and policies of a human behavior in relation to the biological phenomena or events. So vision ki karna kya hai, decision ki okay matlab yes no all kind of thing aur baad mein kyun aur kaise was to. Aur jab bhi hum log aisa experiment karte hain we have to give a proper reasonable reason ki okay kyun karna hai, why it is important, kya significance hai, no ऐसे नहीं कि हाँ मैं बोलूँगा कि मुझे पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ
फिर बाद में जो होगा देख लूंगा, कुछ काम आया तो ठीक है, नहीं आया तो डिस्काउंट, नो ऐसे नहीं चलता। हम लोग को पहले ही प्रॉपर प्रपोजल देना पड़ता है कि आई एम प्लानिंग टू टेक अ जीन फ्रॉम दिस एनिमल और दिस प्लांट, और फिर उसको हम ऐसे मॉडिफाई करेंगे, एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर मैंने ए बी सी डी ई एफ जी इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिस प्लांट मैट गिव मी दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, तो ये रिजल्ट वो ऐसे हो सकते हैं, एंड अगर मुझे ऐसे रिजल्ट मिले देन वी कैन यूज इट एज अ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज, उसका ये एप्लीकेशन हो सकता है, एंड दिस कैन बी अ सिग्निफिकेंस एंड ऑल, ऐसा मतलब एक डायग्राम देना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज अ फ्यूचर थिंग, बट वॉट एवर नॉलेज जो मुझे है अभी जो मैंने स्टडी किया है बेस ऑन डेट मुझे क्या एक्सपेक्टेड है वो लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देर आर डिफरेंट एथिकल बिल्स विच कम्स इन बायोलॉजिकल फील्ड नाउ वेन इट कम टू लाइफ, ओके, बिकॉज बायोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ लिविंग मैटर, बेसिकली मेनली ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, सो देर आर एथिक्स इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, there are ethics in a sperm with reference to sperm bank management, gene therapies, cloning, gene manipulation, euthanasia, death, maintaining those who are in a comatose state basically, and then prenatal genetic selection, and there are many other things like many other things, so all these things are needs to be considered, like simply hum log itna cancer karte hain, but then you know matlab agar mujhe koi bhi cancer patient se उसका ट्यूमर लेना है सो दैट आई कैन स्टडी ऑन इट एंड आई कैन वर्क ऑन इट सो दैट मैं उस पर रिसर्च करके आई कैन फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है उसकी उसके ट्यूमर में या फिर कैंसर कैसे हुआ करके। फॉर्म दैट ऑल्सो मुझे 10 प्रकार के फॉर्म भर के देने पड़ते हैं, मुझे भर के देने पड़ते हैं, नॉट द पेशेंट, आई हैव टू गिव टू द पर्सन, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन एनी वे इफ यू थिंक इफ समवन इज हैविंग अ ट्यूमर और अगर हम उसको सदर से निकाल रहे हैं, इन एनी वे द ट्यूमर इज नॉट ऑफ एनी यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसको कुछ काम तो है ही नहीं, उसको तो बच्चा वो खुश होगा क्योंकि मेरा ट्यूमर निकल गया करके, बट जो ट्यूमर जिसको एनी वे डिस्कार्ड किया जाएगा या फिर डिस्पोज किया जाएगा उसको अगर मुझे यूज करना है तो फॉर दैट मुझे वो बंदे का कंसेंट कि भाई तुझे ओके है क्या अगर मेरा ट्यूमर यूज करूँ तो, उसके अगर वो नहीं है तो उसके फैमिली का कंसेंट ओके इन्फॉर्मेशन लिख होगा नहीं कहते भी करते, एंड ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी फॉलोड एंड प्रॉपरली नीड्स टू बी डन, एंड उसके बाद ही जाके हम लोग को परमिशन मिलता है फॉर ऑल दिस थिंग्स, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर तुम लोग को अच्छी मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था द IVF सेंटर्स आई थिंक एवरीवेयर नाउ एवरीवेयर बिकॉज वी चेंजिंग, हम लोग का पैटर्न ऑफ लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि बोलते ना हम लोग वी आर गोइंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट, बट विद डैट हम लोग ना अपना बेसिक जो बोलते ना प्रिंसिपल्स और द बेसिक पैटर्न ऑफ लाइफ का ना वो भूलते जा रहे हैं, and that has become a major problem now, matlab in a case of ki hum log bahut zyada okay the sake of modernization ki hum log modern ho rahe hain hum log advance ho rahe hain, we are just forgetting ki jo hum log pehle kar rahe the even the people think it as a now bolte na purani soch and all, but purani soch is also having some reason some science behind it, the only bad luck we can say na ki jo hum log ko bataya jata hai na that will never be told as a scientific thing, वो हम लोग का ऐसा कुछ तो टिपिकल फैमिली थिंग या सब रिलीजियस वे में बताया जाता है कि हाँ ऐसे करने से वैसा होता है, ये करो वो होगा या फिर एंड देन वी थिंक क्या रे ये तो बहुत जरा सुपरस्टिशियस से एंड ऑल, बट देन ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड एवरीथिंग एंड दिस वी कीप ऑन निग्लेक्टिंग एंड देन वी हैव टू पे ऑफ बाद में कभी, तो दैट इज अ वन थिंग लाइक हैपनिंग करंटली विद द चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड ऑल, तो विद चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑब्वियसली दो वी आर एंजॉइंग अ लॉट कि हम लोग बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं वहाँ पे घूम रहे, जो चाहिए वो कर रहे हैं, बट एट अ सम पॉइंट वी आर फॉरगेटिंग दैट कहीं ना कहीं पे वो अपने बॉडी को अफेक्ट हो रहा है, एंड शायद वो अभी नहीं समझेगा बट इट कैन बी देयर आफ्टर सम इयर्स कि वो उसका रिजल्ट दिखा सकता है, एंड देन दैट लीड्स टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इम्पोर्टेंसी
is a major reason I think currently many of people, both male and female, are facing. And for that now, so okay, that is a problem. But then IVF has came as a savior. So there are, तुम देखोगे, हर कहीं पे like even in trains, I think हर जगह पे these test tube baby centers का templates and the stickers are there. But अगर तुम लोग actual में देखोगे on Google or like if you can search. India mein there are very few labs which are actually legalized or authorized lab jinko allowed hai sab karne ka. So ye baaki ke jo labs hai wo aaye kahan se and why are they doing all these things? Because I think on every station, Kalyan mein hai, Dombivli mein hai, like everywhere it is there. So our country is not really at that level of advancement ki hum log har jagah pe ye sab kar sakte hain, because test tube babies, even though it is okay, the name test tube baby is just given, actual mein baby test tube mein nahi banta hai. First thing, it is just fertilization jo hum log karte hain in a petri plate. So petri plate pe kiya jata hai, aur after fertilization wo zygote ko utha ke wapas se it is transferred to the mother's womb basically. But then the problem is, if okay, so ye sab going good, but the problem is, like, sometimes what they do, because the technique is quite costly, and just to ensure that the process of fertilization properly ho raha hai, well, then at the same time they take multiple eggs, they take multiple sperms, and they allow it to fertilize. At the same time multiple zygotes get formed, and for usme se koi to ek hi actual mein use hota hai. Obviously they can't take multiple zygotes and keep it in a womb, that is not possible. They just get one zygote and keep it in a track basically. So what about the others? Wo jayenge kahan pe aur uska kya hoga? As per the government rules, there are typical guidelines to follow all these things, but then very few are actually following these things, and then these typical zygotes get misused or they are not used properly. Fir unka exploitation hota hai and all that things come in the picture, and so for that reason we need a proper regulations and ethical committees which can govern and which can keep on eye ki kya ho raha hai, kaise ho raha hai, kyun ho raha hai karke. So I hope now I am bit clear ki kyun important hai ethics and bioethics in every, like for now in the current scenario. Same goes for the sperm banks and all. Sperm banks are like, for like there are currently mainly sperm banks for the animals which are like saved as a good breed. So agar koi bull hai jo proper ekdam acha quality ka hai and all, so uska sperm also get we take and we store in the nitrogen, basically liquid nitrogen, so that whenever the next time koi kisi cow ko agar breed karna hai to they can use the same sperm basically. So all these things are there, but this needs to be governed. Uspe control is important. These are things are good, they are giving us a lot of applications and benefits out of it, but kab tak dega? Jab tak we are not misusing it. The moment we start misusing it, there will be obviously some problems or let's say some major issues which will arise from this particular thing. So that's why all these things are important. So with this we will stop for a day. Kal hum log continue karenge with the bioethics and